अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आगामी 2022 के लिए राजनीति में उतरने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह से तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश प्रभारी ऋषि कुमार त्रिवेदी ने बताया कि संगठन से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर पर कॉल के माध्यम से आम जनमानस सदस्यता ले सकता है। प्रदेश प्रवक्ता पंकज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि कोरोना काल में आम जनमानस त्रस्त है, आम जनमानस की सुविधा के लिए सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही संगठन की तरफ से सरकार से मांग की गई किसान आयोग का गठन किया जाए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2022 के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद कितने अनन्य जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और ये चलते चलते आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जो भी अभी राम जन्म भूमि का जो फैसला भी आया है उसकी भी लड़ाई कोर्ट के जरिए विधिक तरीके से हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने लड़ी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा के पक्ष में आया। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब पार्टी अपने को और आगे बढ़ा रही है। इसी पे एक टोल फ्री नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो नंबर है 8882240044। इस नंबर पे जैसे ही आप मिस कॉल करेंगे आप हमारी पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। आदर नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंकज तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आज आपको विगत है कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो हिंदू महासभा के प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उसके लिए की गई है। जो नंबर है, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश प्रभारी श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने बताया, नंबर है 8882240044। मैं पुनः दोहराता हूँ हिंदी में, 8882240044। और मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस नंबर पर वो मिस कॉल देकर अखिल भारत हिंदू महासभा की सदस्यता निःशुल्क ग्रहण करें। अब बात आती है अखिल भारत हिंदू महासभा ही क्यों। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये सारी जो विचारधारा इनके पास है वो अखिल भारत हिंदू महासभा की ही है। जैसा कि हमारे प्रदेश प्रभारी श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने और उनके साथ कई और उस समय के वरिष्ठ लोगों ने 1915 में हरिद्वार में की थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत, अखंड भारत को मजबूत बनाना, विश्व शांति की स्थापना करना। अगर आप पिछले 500 साल का इतिहास देखिए, एकमात्र ऐसा देश, राष्ट्र जहां पर संपूर्ण विश्व के लोगों को आने का अवसर मिला, व्यापार करने का अवसर मिला और यहाँ फलने फूलने का अवसर मिला। परंतु अखिल भारत हिंदू महासभा को बनाने का अवसर भी इसीलिए आया क्योंकि जब बाहरी ताकतें, आक्रमणकारी ताकतें जब बाहर से आने लगीं, चाहे वो अफगानिस्तान और काबुल के मुगल शासक रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, उन्होंने इस देश की भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम शुरू कर दिया और हिंदू समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को विगत 700 सालों में विभिन्न जातियों में बांट दिया। हालात ये हो गए कि आज जो हमारे मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो भी हमारे पूर्वज थे के ही वंशज हैं, किसी और के नहीं हैं। लेकिन उस समय किसी कारणवश, स्वार्थवश, डर के वश या किसी भी वश उनको कन्वर्ट किया गया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1915 में इसका गठन करके ये अभियान चलाया और धीरे धीरे उसमें से ही अखिल भारत हिंदू महासभा से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों का उदय हुआ। आज भी इनकी जो विचारधारा है वो हिंदू महासभा से प्रभावित होती हुई है। अब जबकि हिंदू महासभा की विचारधारा का राज देश और प्रदेश दोनों में ही है तो हमें आवश्यकता क्यों है, इसका भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। उत्तर इसलिए है कि जब हमने पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया, आगे लाए, लेकिन आज भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि इनका पूरा जो हमारे हिंदूवादी संगठन थे,
कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया है। और हमारा जो मूल मुद्दा था कि सभी जातियों को एकजुट करना और जाति के आधार पर कोई कार्य ना किया जाए, उसको ये कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जिसका ज्वलंत उदाहरण आपने देखा होगा कि कई ऐसे इन्होंने कानून बनाए जिसमें जाति का विभाजन दिखता है, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू किसी जाति का नहीं है बल्कि वो हिंदू है। इसीलिए हिंदू महासभा ने एक नारा भी दिया है जो हम लेकर के 2022 में पूरे जनमानस तक जाएंगे, और वो नारा है जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, जब मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ये बता देता हूँ कि हिंदू वर्ग में केवल वही लोग नहीं है जो सिर्फ हिंदुस्तान में जो हिंदू वर्ग को जाति से प्रभाषित किया जाता है, वरन हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू की श्रेणी में है, चाहे वो किसी भी जाति में लिखता हो लेकिन उसका मानवता, उसकी संस्कृति, उसकी भारतीयता हिंदू है। धन्यवाद, सादर नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। 2022 को लेकर आपके पॉलिटिकल अखिल भारत हिंदू महासभा ने पहले तो एक प्रयास किया है कि हम एकजुट हों, और शायद उसी एकजुटता के लिए हमने अभी तक ऐसी राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जिससे कि वो समाज में आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का विकास कर सकें। लेकिन आज की जो वर्तमान व्यवस्था हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ठीक है, आज कोरोना काल है, आर्थिक व्यवस्था नीचे जा सकती है, कोई नई बात नहीं है, परंतु हमें दिखना चाहिए कि प्लानिंग क्या है। आज स्मार्ट सिटी की बात होती है, आज अगर हमारी विचारधारा का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, वो हिंदू महासभा पर काम कर सकते हैं, परंतु उनके नीचे के जो नेता हैं या उनके नीचे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शायद उनकी उस व्यवस्था को वो ध्वस्त किए हुए हैं, और उनका गलती इतनी सी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने के बजाय ऐसी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टिकट देकर आगे ला रहे हैं जिन्होंने इस प्रदेश को, इस देश को डुबोने का काम किया था। आज अखिल भारत हिंदू महासभा की एक अपेक्षा थी सभी राजनीतिक दलों से कि आर्थिक सामाजिक विकास को पूरी तरीके से लागू किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन की बात में तो दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े भाषणों में, बड़े बड़े वादों में तो दिखाई पड़ता है, परंतु जमीनी स्तर पर आप चले जाइए, हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो हमारा मीडिया जगत हो, चौथा स्तंभ हम लोग कहते हैं उसको, चाहे हमारा किसान हो, अन्नदाता हो जिससे पूरी अर्थव्यवस्था टिकी रहती है। आज हमारे अन्नदाता के लिए क्या व्यवस्था है सिवाय बातों के लिए, पढ़ा लिखा वो नहीं है, शिक्षा का प्रयास, यानी एक बड़े से बड़ा अधिकारी अपने स्कूल, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में देता है जहां उस टीचर को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन सरकारी स्कूल में जो बाकायदा ट्रेनिंग के साथ, एक प्रोसेस के साथ एडमिशन, मतलब एक नियुक्ति होती है टीचर की जिसको 50,000 कम से कम तनख्वाह मिलती है, उससे पढ़वाना पसंद नहीं करते, क्या कारण है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से। और ये जागरूकता हमें लानी है, हमें शिक्षा का स्तर हर गांव स्तर के प्राइमरी पाठशाला का ऐसा करना है कि हमारे गांव का हर एक बच्चा पढ़े, और पढ़ने के बाद नौकरी नहीं, वो अपनी किसानी के प्रति जागरूक हो। इसके लिए अभी हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने बताया कि किसान आयोग की जरूरत है। किसान आयोग की जरूरत इसलिए है कि जब तक बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग कृषि मंत्रालय का नियम बनाने में लगे रहेंगे, किसान की जमीनी स्तर की समस्याएं उनको समझ में नहीं आएंगी। जब तक किसान वहां से उठ के किसान आयोग में नहीं बैठेगा और वो अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक ये संभव नहीं है। दूसरा हमारा पक्ष है कि जो जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको एकजुट किया जाए, क्योंकि किसी भी देश में अगर हम जातियों में लड़ते रहेंगे तो हमारा आर्थिक विकास कभी नहीं हो सकता, सामाजिक विकास कभी नहीं हो सकता। तो दूसरा मुख्य मुद्दा हमारा रहेगा कि हम सारी जातियों को एकजुट करके अखंड भारत की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा विकल्प है आर्थिक स्तर पर हम काम करने जा रहे हैं। आज हमारे किसान भाई परेशान हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है छुट्टा जानवरों को लेकर, अगर हम एक मोटा मोटा बात करें, अभी आपने कुछ समस्याओं बताया उससे अलग है, बीघों फसलें खराब हो जाती हैं, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। अगर हम इसको आर्थिक विकास से जोड़ दें, दूसरी तरफ हमारे आयुर्वेद के लोग कहते हैं गौमूत्र, गोबर गैस प्लांट, अगर हम इनसे इनको सब जोड़ें तो हमें लगता है न केवल हम गाँव को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी काम कर सकते हैं और लोगों को पैसे भी कमाने के अवसर मिल सकते हैं, और ये समस्याएं पैदा हो रही हैं फसलों की वो भी नहीं होंगी। तो आर्थिक विकास हमारा मेन फोकस रहेगा। आर्थिक विकास में कई योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है जो आप धीरे धीरे देखना शुरू कर देंगे। हमने सत्ता की राजनीति कभी नहीं करी, जैसा कि आप जानते हैं 105 वर्ष हो गए हमारी राजनीतिक पार्टी को, हमने सत्ता की राजनीति नहीं करी,
हमने ऐसी राजनीति करी है कि जिसने भी राष्ट्र की बात करी है हमने उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अब दिखाई पड़ने लगा है कि कोई भी ऐसा विकल्प हमारे सामने मौजूद नहीं है कि इस भारत की जनता को, इस प्रदेश की जनता को राहत पहुंचा सके। इसलिए हिंदू महासभा ने पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। और ये फैसला इसलिए नहीं कि हम अलग अलग लड़ेंगे, इसलिए कि जो इन विचारधाराओं में हमारे साथ आएगा हम उनके साथ बैठकर बात भी करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस प्रदेश, इस देश की जनता को लाभ मिलना चाहिए और इन्हीं मुद्दों के साथ हम लड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद फैलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टी ये बोल रही है कि क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्पेशल ठाकुर फोर्स चलाई जा रही है, इस पे अखिल भारत हिंदू महासभा का क्या स्टैंड है? देखिए, ये विपक्षी दलों का एक प्रयास हो सकता है, क्योंकि जो एक मुख्यमंत्री का पद होता है वो निष्पक्ष होता है, और अगर कोई अपराधी है और अपराध कर रहा है उस पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सजा संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए। इसका मैं समर्थन करूंगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति वर्ग का हो, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आप न्याय दिलाने का अगर कार्य करेंगे तो भी गैर कानूनी तरीके से आता है। अब चूंकि इत्तेफाक ये है कि कुछ ऐसे समीकरण बने हैं इधर विगत दिनों में जहां पर अपराधी भी ब्राह्मण है, जो मारे गए हैं ब्राह्मणों के द्वारा, वो भी जो पुलिस इंस्पेक्टर मारे गए या कहीं और भी जो हत्याएं हुई उसमें भी ब्राह्मणों की ही हुई, तो प्रताड़ित भी, जहां पीड़ित भी ब्राह्मण है और पीड़ित करने वाला भी ब्राह्मण है, ऐसे में एक्शन सीधी सी बात है उन्हीं पर होगा। और अभी हम देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों में देखे कि 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।